यंग का डिसलेट प्रयोग, उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको लेकर हम बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप जैसा कि ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक प्रकाश का स्रोत लिया है, यानी बोले तो एस जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है प्रकाश का स्रोत है, और उसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश निकलेगा भी, इस बात में बिल्कुल दोराई नहीं है। और आगे हमने इसके जस्ट सामने एक गत्ता रखा है, उस गत्ते पे आप देख पा रहे हैं कि दो छिद्र मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ठीक वही प्रयोग जो यंग दर्शाना चाह रहे हैं, एक प्रकाश का स्रोत लिया है, एक गत्ता सामने रखा है, दो होल गत्ते पे बनाए हैं, और होल इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि प्रकाश का व्यतिकरण हमें करना है। और व्यतिकरण की शर्तें आपको याद होंगी, व्यतिकरण की क्या शर्तें हैं? पहली शर्त कि जो भी तरंगे अध्यारोपित हो रही है उन तरंगों की दिशा समान रहे, उन तरंगों की दोनों की दिशा समान होगी तो व्यतिकरण होगा, अन्यथा व्यतिकरण नहीं होगा। और दूसरा हमने कहा था कि उन तरंगों का वेग भी समान होना चाहिए, तरंगें समान कला में होनी चाहिए, ये सारी बातें हमने की है व्यतिकरण के लिए। तो ये दोनों जो होल आप देख रहे हो S1 और S2, वो होल इसलिए बनाए गए हैं कि एक ही प्रकाश के स्रोत से जब दो किरणें निकलेगी तब तो उनकी आवृत्ति समान रहेगी ना, बिल्कुल रहेगी, और तब व्यतिकरण हो पाएगा। इसलिए S1 और S2 दो होल बना दिए। ये S1 और S2 प्रकाश के स्रोत की तरह कार्य करेंगे और इनसे निकलकर विकिरणें आगे जो आप पर्दा देख पा रहे हैं उस पर्दे पे जाएगी, और जैसे ही दोनों तरंगे आपस में अध्यारोपित होगी तो आप देख पा रहे होंगे कि फ्रिंजे हमें प्राप्त होगी। फ्रिंजों से मेरा मतलब है कि जहां तीव्रता अधिकतम होगी वहां आपको फ्रिंज डार्क नजर आएगी, और जहां तीव्रता न्यूनतम होगी वहां आप देख पा रहे होंगे, यानी 1/1 एक सीरीज यहाँ पे बनती है। तो फर्स्ट वाली फ्रिंज जो आप देख रहे हो वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जो फ्रिंज है वो बिल्कुल डार्क है, और दूसरी वाली जो फ्रिंज है वो आपके यहाँ पे ब्राइट है, यानी हम कह सकते हैं कि वो एक लाइट कलर की है, यानी काली और सफेद फ्रिंज जिसे आप कह सकते हैं। और तीसरी वापस देखोगे वापस काली वापस सफेद, यानी एक सीरीज हमें फ्रिंजों की यहाँ पे प्राप्त होती है यदि प्रकाश के स्रोत के द्वारा जो निकाला गया प्रकाश है उसे S1 और S2 दो बिंदुओं में से, दो छिद्रों में से उसे गुजारा जाए। और ये प्रयोग यंग ने किया है, और वहां जो फ्रिंजे प्राप्त हो रही है, एक बार तीव्रता अधिकतम होगी तो आप देखोगे कि वहां पे तीव्रता प्रकाश की अधिकतम है तो बात तय है कि वहां पर ब्राइट होगा, और यदि न्यूनतम होगी तो फिर वो डार्क हो जाएगा। तो ये फ्रिंजे प्राप्त होती है, और जहां फ्रिंजे प्राप्त होती है हम कह सकते हैं कि वहां पे व्यतिकरण हुआ है, तो ये व्यतिकरण की घटना यहाँ पे होती है। और इसी व्यतिकरण की घटना को लेकर यंग ने हमें ये भी बताया कि ये जो फ्रिंजे यहाँ पे काली और सफेद फ्रिंजे हैं इनकी चौड़ाई क्या होगी, अच्छा इनकी स्थिति क्या होगी, एक बार में ये फ्रिंज जैसे डार्क बनती है तो कितनी दूरी तक बनेगी, क्या उसकी चौड़ाई रहेगी, इन तमाम बातों को लेकर यंग ने अपना एक्सपेरिमेंट दोहराया है। तो उसी को हम तैयार करेंगे, और इसी के साथ अपना जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब यंग के प्रयोग के द्वारा दीप्त फ्रिंज हम किसे कहेंगे, जो ब्राइट है, और जो डार्क है उसे अपनी हिंदी भाषा में हम कहेंगे अदीप्त। दीप्त और अदीप्त जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, तो उन फ्रिंजों की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में बताते हैं हमें यंग। तो स्थिति देखने के लिए मैं यहाँ पे मानता हूँ कि पहले कोई गत्ता है, और गत्ते पे दो छिद्र किए गए हैं S1 और S2 जो आप देख रहे हैं, और उसी S1 और S2 से जो तरंगे यहाँ पे निकलेगी वो तरंगे आगे जाकर एक पर्दे पे मिलेगी। तो मैं यहाँ पे मध्य बिंदु मानता हूँ दोनों जो छिद्र है, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी, दोनों छिद्र यानी S1 और S2 की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बीच की दूरी है स्मॉल वाला d जैसा कि आप देख रहे हैं। और दूसरा मैं इन दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच एक मध्य बिंदु मानता हूँ, और उसी मध्य बिंदु से एक लाइन यहाँ पे खींचता हूँ लंबवत जो पर्दे तक होगी, वही पर्दा जिस पे हमें फ्रिंजे प्राप्त हो रही है। और मेरे को स्थिति याद करनी है बिंदु पी पे, बिंदु पी जो आप देख रहे हो इस पर कौन सी फ्रिंज होगी, और यदि डार्क होगी तो क्यों होगी, और यदि ब्राइट होगी तो क्यों होगी, वो स्थिति मेरे को एक बार चेक करना है। तो मैं ये मानता हूं कि S1 से पी तक की जो दूरी है S1P, मैंने बिंदु पी वहां पे मान लिया है, तो S1 से पी S1P जिसे मैं कहूंगा, और दूसरा S2 प्रकाश के स्रोत से जो तरंग जा रही है बिंदु P तक जो फ्रिंज बन रही है P पे, उसके लिए जो उत्तरदायी है
तो वो S टू P तक की जो दूरी है वो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ। अच्छा, बिंदु S1 जो आप यहाँ पे देख रहे हो, उस S1 से लगाकर एक लाइन में यहाँ पे लंबवत खींचता हूँ पर्दे पे, बिंदु M, लाइन का नाम क्या है S1M, और वो एक लंब के तौर पे काम करती है। अब मैंने वो क्यों खींचा है, मैंने इसलिए खींचा है कि यहाँ से S1, P और M, S1, P और M मिलाकर के एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, और जब त्रिभुज बन जाएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय वगैरह कुछ लगा के उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने S1 से M तक एक लाइन खींच दी जो आप डैश डैश लाइन के रूप में देख रहे हो। और दूसरा मैंने ये किया कि अब जो S2 से P तक जो लाइन खींची गई है उससे एक और ट्रायंगल प्राप्त करने के लिए मैंने S2 से बिंदु M तक एक अभिलंब और खींचा है जो पर्दे के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो वो मैंने लाइन खींची, यहाँ पे आप ट्रायंगल नया कौन सा बनाया आप देख पा रहे हो कि S2, S2 आप देख रहे हो, और उसके बाद बिंदु P और बिंदु M तक ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल मैंने बनाया है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय को लगाने के लिए। अच्छा, बिंदु O से बीच में जो मैं यहाँ पे लाइन डैश डैश खींच रहा हूँ पर्दे की तरफ, जो अभिलंब मैं यहाँ पे बीच में खींच रहा हूँ, तो मैंने मध्य बिंदु से शुरू किया, S1 और S2 के मध्य जो दोनों बिंदु है, दोनों बिंदुओं से मैंने शुरू किया है उसको। और यदि मध्य बिंदु है S1 और S2 का मध्य बिंदु और पूरी दूरी d है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, d by 2 और d by 2, यानी कि बिंदु O से लगा करके जो आप S1 तक की दूरी देख रहे हो वो दूरी आपके कुल मिलाकर के यहाँ पे d by 2 हो जाएगी, और नीचे की दूरी कितनी हो जाएगी, d by 2। अच्छा, कंप्लीट बिंदु यहाँ O पे ये टच कर रहा है, और O से P तक की जो दूरी है उसे मैं xn मान के चलता हूँ। अच्छा, xn मैंने क्यों माना है वो आगे आपको पता चलेगा जब आप साथ जुड़े रहोगे। तो xn दूरी मैंने मान ली है बिंदु O से बिंदु P तक की। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है पथांतर के बारे में कि पथांतर क्या होता है, पथ का अंतर उसे हम कहते हैं पथांतर। तो आप देख पा रहे हो कि S1 से जाने वाली विकिरण जो बिंदु P तक पहुंच रही है उसके लिए पथ क्या है, उसके लिए पथ है S1P। और दूसरा आप देख रहे हो कि S2 से जो किरण या जो रास्ता P को जाता है तो पथ यानी कि रास्ता क्या हो जाएगा, S2P, S1P और S2P। तो पथ में अंतर, भाई दोनों पथ हमारे पास है और पथ में अंतर निकालना पथांतर के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, S2P माइनस S1P। तो वो स्थिति रहेगी पथांतर को लेकर। अब हमारे पास पथांतर है, मैं क्या करूंगा, फिर से सुनिए, पथांतर मेरे पास पहला वाला पड़ा है आप देख पा रहे हैं, और दूसरा वाला पथांतर मेरे पास होगा, और दोनों को मैं यहाँ पे जो है माइनस करके एक नई स्थिति यहाँ पे बनाऊंगा। तो पहली बात तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि यदि अधिकतम तीव्रता होती है तो व्यतिकरण कौन सा होता है, समकोसी व्यतिकरण होता है, और यदि तीव्रता न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, तो वहां पे व्यतिकरण कौन सा होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो आपने समकोसी व्यतिकरण के लिए एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, समकोसी व्यतिकरण होता है यदि, तो पथांतर क्या है, और वो पथांतर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर था, हमने इसे कल व्युत्पन्न करके देखा। और दूसरा यदि हम कहें कि विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो विनाशी व्यतिकरण जब होगा, जब तीव्रता न्यूनतम होगी, तो उसके पथांतर के लिए जो फॉर्मूला है वो आप देख पा रहे हैं क्या होगा, 2n minus 1 lambda by 2 हो जाएगा। तो ये पथांतर दोनों ही स्थितियों में जब समकोसी होगा और जब विनाशी होगा, और यदि इसका पथांतर मेरे को निकालना है तो मैं s2p minus s1p कर ही लूंगा। तो अब मेरे को ये देखना है कि मैं एक बार ये s2p minus s1p कैलकुलेशन निकाल के इसको n lambda के बराबर करूंगा, जब मेरे को वहां पे ब्राइट मिलेगा यानी समकोसी व्यतिकरण होगा, तो मैं s2 minus p जो है S2P और S1P है उसके अंतर को मैं बराबर करूंगा n लैम्ब्डा के। फिर से सुनिए कि जो मेरे पास पथांतर यहां कंप्लीट प्राप्त हो रहा है S2P minus S1P उसको बराबर करूंगा n लैम्ब्डा के, कब, समकोसी व्यतिकरण के लिए। और दूसरा मैं चीजों को बराबर करूंगा S2P minus S1P को बराबर करूंगा 2n minus 1 लैम्ब्डा अपॉन 2 के, तो मेरे पास कौन से व्यतिकरण की स्थिति आएगी, विनाशी। तो बस उसी को ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, अब आप ट्रायंगल डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल यहाँ पे S1 है, P है और उसके बाद M है, S1 P M की मैं बात कर रहा हूँ। तो S1 P M ट्रायंगल लिया है हमने, और अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब मेरे पास कर्ण क्या है,
वही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आप कौन सी देख रहे हो, S1P, तो वही है S1P में यहां पे ले रहा हूं, तो S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मेरे पास लंब क्या है, तो यहां बिंदु P से लगा करके जो लाइन यहां पे बिंदु M तक आ रही है यानी कि PM, तो PM का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा उसके आधार का स्क्वायर, और आधार आप देख पा रहे हो कि ये, और ये आधार कौन सा, ये आधार है S1 से लगा करके M तक, तो S1 M का स्क्वायर। अब एक बात सुनिए कि जब हमने गत्ता लिया है और जब हमने क्या किया है पर्दा लिया है, तो उन दोनों के बीच की दूरी मैं मानता हूं कैपिटल वाला d, और S1 S2 के बीच की दूरी मैंने मान रखी है कितने स्मॉल वाला d, वे दूरी को तो हमेशा ही d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहां पर भी ऐसा ही करूंगा। तो बीच वाली जो दूरी है पर्दे के और गत्ते के बीच की डिस्टेंस, ये मैं कितनी मान के चल रहा हूं कैपिटल वाला d, तो आपको पता चल ही गया होगा कि यदि ये वाली दूरी, यदि ये वाली दूरी जो है वो कैपिटल डी है, तो ये भी ये भी ये भी यानी सारी दूरियां क्या हो जाएगी कैपिटल डी हो जाएगी, तो यहां पे S1 M कितनी हो जाएगी डी, मान रख दूंगा मैं कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे मेरे को फाइनली बिंदु P से लगा करके M तक की दूरी चाहिए, बिंदु P से लगा करके M तक की दूरी चाहिए। आपको पता है और मेरे को भी पता है कि बिंदु P से O तक की जो दूरी है वो xn है, बिंदु P से O तक की दूरी xn है, और यदि बिंदु M से O तक की बात करें तो M से O तक की जो दूरी है वो d by 2 है, तो निश्चित तौर पे हम क्या करेंगे कि बिंदु P से लगा करके बिंदु M तक की दूरी यानी PM का स्क्वायर निकालने के लिए मैं यहाँ पे PO करूँगा, और PO में से मैं माइनस करूँगा कौन सी वाली दूरी, ये जो छोटी वाली दूरी आप देख रहे हो जो d by 2 की जो दूरी है उसे मैं यहाँ से माइनस कर लूंगा, तो फाइनली क्या होगा मेरे पास कि xn minus d by 2 जो आप pm देख रहे हो वो pm xn minus d by 2 हो जाएगा, plus d का क्या हो जाएगा square, यहाँ पे मैंने जो अपना आधार है उसे मैंने कितना माना है भैया d माना है, और कर्ण s1p का square के equal में हो जाएगा। तो अब s1p के square को अगर हम solve करके देखें तो s1p का square is equal to, आप देख पा रहे हो कि s1p का square is equal to xn minus d by 2 का square plus d का square, यहां जरा सा मैं परिवर्तन करता हूं कि उस d को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो क्या होगा मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि s1p is equal to d square हो गया है प्लस क्या हो गया है xn minus d by 2। तो अब जिस तरीके से हमने d को कॉमन निकाला है, पहले d को कॉमन निकालना है, ठीक है, तो जैसे ही हमने d square को इधर बाहर लिया तो यहां तो 1 बच गया, बात सही है, लेकिन उधर d है ही नहीं तो क्या करें, तो d का उधर हम क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी xn minus d by 2 का स्क्वायर बटे d का स्क्वायर, जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि s1p का स्क्वायर है होल स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को हम आगे ट्रांसफर करेंगे तो वो स्क्वायर आगे जाकर के रूट में बदल जाएगा यानी वर्गमूल वो बन जाएगा, और जब वर्गमूल करेंगे d स्क्वायर का तो d स्क्वायर का वर्गमूल बन के आएगा d, और उसके बाद वर्गमूल करेंगे उस पूरे का तो पूरे कंप्लीट का जैसे कि 1 xn minus d by 2 बटे d का स्क्वायर, इस पूरे का जब हम रूट करेंगे तो घातांक 1 बटे 2 हो जाएगा, तो फिर से क्या निकल के आया है हमारे पास कि s1p is equal to d आपके पास है और उसके बाद 1 xn minus d by 2 का स्क्वायर है और बटे d का स्क्वायर है, और इस पूरे पे हमने बड़ा कोष्टक डाल के क्या डाल दिया है घातांक 1/2, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है कि घातांक 1/2। अब आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपको ये मिलेगा कि 1 हमारे पास है 1 प्लस, अगर इस पूरी थीम को मैं क्या मान लूं x मान लूं यानी कि xn minus d by 2 का जो स्क्वायर है बटे d स्क्वायर है, इस पूरी थीम को अगर मैं x मान लूं तो 1 x की घात 1/2 यानी 1 x की घात n, और मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि 1 x की घात यदि n हो जाए तो उसे हम लिख सकते हैं 1 nx, यानी x को n से मल्टीपल कर देना, उसकी घात को x के पीछे लेके आ जाना, तो 1 nx हो जाएगा। अब यदि मैं इस थीम को 1 जो x की घात जो n है इस थीम को अगर मैं 1 nx में बदलूं तो क्या होगा, n कितना है जी, n 1/2 है, तो n 1/2 है तो 1/2 को मैं पहले लेके आ जाऊंगा फिर x लिखूंगा, तो यहां कंप्लीट मेरे पास क्या हो जाएगा कि 1 1/2 हो जाएगा, 1/2 के बाद xn माइनस आपके जो d/2 पड़ा है और उसका स्क्वायर है बटे d स्क्वायर है, इसका
कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब भी आप घातांक जो एक बटा दो इसको पहले लेके आ गए तो 1 बाई 2 ये पहले रह गया और एक्स एन माइनस क्या हो गया आपके पास डी बाई 2 का स्क्वायर बटे डी का स्क्वायर। अब हमारे पास ये समीकरण मिला है और ये समीकरण एस वन पी के इक्वल में है और एस वन पी कौन सा पथ है, पहली किरण का पथ। एस वन पी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो पहली किरण का पथ है जो हमारे पास है। और पथांतर ज्ञात करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम एस टू पी को भी निकालें, तो यहाँ एस टू से लगा करके पी तक की जो दूरी है उसे निकालने के लिए अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब ट्रायंगल हम दूसरा वाला लेंगे, त्रिभुज दूसरा वाला लेंगे, कौन सा, एस टू से पी और एन, एस टू पी एन त्रिभुज लेंगे। तो चलिए ट्रायंगल एस टू पी एन में और उसके अकॉर्डिंग अगर वापस से हम एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो फिर से उसका जो थीम बनेगा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वहां कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ हमारे पास स्थिति ये बनेगी कि ये जो लंब आप देख रहे हो डायग्राम में लंब, ये लंब यानी पी से लगा करके एन तक की दूरी, तो पहले तो थी xn माइनस dy2 लेकिन अब xn तो एज इट इज आपके पास है और dy2 आगे और है, तो xn माइनस dy2 नहीं बल्कि इस बार क्या हो जाएगा xn प्लस dy2, तो बस वो ध्यान रखना है कि xn प्लस dy2 केवल किसकी जगह, लंब की जगह। तो इसी प्रकार पूरा सॉल्यूशन न करने के बजाय आप बोर्ड में भी ऐसा कर सकते हो, पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, लिखना है इसी प्रकार और इसी प्रकार लिख करके आगे आपको चले जाना है, क्या हो जाएगा एस टू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे बचा क्या है सीधा सा, ये आप अगर लंब ले रहे हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी प्लस जो है एक्स एन प्लस, अब की बार एक्स एन प्लस है डी बाई टू का स्क्वायर बटे डी का स्क्वायर, तो सिंपल सी ये कहानी बन जाएगी। अच्छा एस वन पी का जो मान है उसे हम समीकरण एक मान के चलते हैं और एस टू पी का जो मान है उसे हम समीकरण दो मान के चलते हैं। तो अब समीकरण एक और समीकरण दो पथांतर के लिए हमें क्या चाहिए कि समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाया जाए यानी एस टू पी माइनस एस वन पी किया जाए डेल्टा एक्स के लिए, तो बस वही हम दर्शाएंगे। और अब जब हम यहाँ से ये गणना करने शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि यहाँ पे d प्लस वन बाई टू और समीकरण एक मैंने रखा है xn और प्लस समीकरण दो सॉरी xn प्लस यहाँ पे d बाई टू का स्क्वायर बटे d का क्या रखा है मैंने बटे d रखा है और माइनस बड़ा ब्रैकेट बनाया है और d प्लस हाफ हो जाएगा यानी कि वापस वन बाई टू और अब की बार xn माइनस d बाई टू का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा d, तो ये निकलेगा। अब जब मैं ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसको जब अंदर वाले जो भी निशान है उनसे गुणा करूंगा तो अंदर वाले निशान आपकी बार बदल जाएंगे यानी कहानी क्या होगी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे जो d आपको मिलेगा वो इधर वाला d प्लस में है उधर वाला d माइनस में है, तो d से d तो आपस में क्या हो गए जी कैंसिल हो गए, d से d आपस में गए, तो अब हमारे पास बचा क्या है केवल केवल एक्स एन प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और दूसरा बटे d और दूसरा क्या बचा है हमारे पास बीच में निशान किसका है माइनस का और एक्स एन माइनस डी बाई टू और बटे क्या बचा है d, तो ये दोनों स्थितियां हमारे पास बची है। अच्छा जब भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कुल मिलाकर के एक बटे दो से अंदर गुणा किया तो टू डी हो गए और टू डी और टू डी, तो हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा टू डी, अब टू डी एलसीएम है और हमारे पास दो यहाँ पे पद बन रहे हैं कौन से एक्स एन प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और माइनस क्या बच रहा है एक्स एन और आपके माइनस डी बाई टू का क्या बच रहा है स्क्वायर, तो फिर से आप यदि यहाँ पे देखो तो ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, अच्छा वही वाला फॉर्मूला जो हम यूज करते आ रहे हैं a प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वो लगाएंगे और a माइनस b जो आप यहाँ पे देख रहे हो a माइनस b का स्क्वायर उसके लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बस वही करेंगे, और जैसे ही हम वो करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, तो a हमारे पास है xn तो xn का क्या हो गया स्क्वायर और उसके बाद xn का जब हमने स्क्वायर लिया a का तो हमारे पास b क्या है d by 2 और d by 2 का स्क्वायर करेंगे तो d का तो स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो d by 4 तो इसको मैंने d by 4 लिखा है और प्लस क्या हो जाएगा 2xn d by 2 ये किया और फिर हमारे पास क्या बच पड़ा है माइनस और ब्रैकेट में सारा सॉल्यूशन क्या ले लिया xn का वापस से स्क्वायर दूसरी समीकरण में हम देख ही पा रहे हैं कि भाई xn है a यहां पे और b क्या है यहां पे d by 2 तो xn का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर भी क्या होगा d by 2 का स्क्वायर वापस से d स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 4 और उसके बाद अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निशान किसका है माइनस का तो वही माइनस लगाएंगे 2xn d by 2 ये हो जाएगा। अब अगर फिर से इस माइनस को बार वाला माइनस से गुणा किया जाए
फिर से इस माइनस को बार बार माइनस से गुणा किया जाए तो क्या होगा, वापस से निशान चेंज हो जाएंगे। जैसे ही निशान चेंज हुए कि तुरंत xn से xn आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अच्छा d2/4 से d2/4 चला गया, तो फाइनली बचा क्या आपके पास, एक तो xn बचा d और दूसरा भी क्या बचा, xn d। यानी हम कह सकते हैं कि 2xn d / क्या बच रखा है, 2d। 2xn d / क्या बच रखा है, 2d। 2 से 2 वापस गया तो क्या बच गया, xn d / d। तो बस यही फार्मूला होगा किसके लिए, h2p - s1p के इक्वल में क्या होगा, xn d / d, जिसे हम कहेंगे यहां पे फाइनली जो है पथांतर। तो अब ये पथांतर की समीकरण हमें मिली है किसी व्यतिकरण के लिए, और यदि वहां पे व्यतिकरण समकोसी है तो हम उसे समकोसी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर करेंगे, और यदि विनाशी व्यतिकरण है तो हम उसे विनाशी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर करेंगे। तो दोस्तों समकोसी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का फार्मूला है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा होता है, और वो एन लैम्डा अब मैं यहां पे रखूंगा, तो जब भी इसके बराबर में एन लैम्डा किया जाएगा तो एक्स एन डी वाई आपके जो है ये हो जाएगा डी, और आगे आपके पास एन लैम्डा पढ़ाई है, और जब यहां से एक्सएल में कैलकुलेशन करके निकालूंगा तो एन लैम्डा डी भाई क्या हो जाएगा आपके स्मॉल वाला डी। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, समकोसी व्यतिकरण के लिए, यानी कि फ्रिंज कैसी मिलेगी, दीप्त मिलेगी। और यदि हम विनाशी व्यतिकरण के लिए ज्ञात करना चाह रहे हैं तो बस इसी यंग के प्रयोग के द्वारा हम क्या करेंगे, विनाशी के लिए ज्ञात करना चाह रहे हैं तो विनाशी का पथांतर क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n - 1 और लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो बस लैम्डा बाय 2 वही सिचुएशन है जिसे हम रखेंगे इसके बराबर में, तो क्या होगा यहां पे फाइनली xn d / d बराबर क्या हो जाएगा, 2n - 1 लैम्डा / 2 हो जाएगा। xn जब यहां से मैं कैलकुलेशन करके निकालूंगा तो फाइनली 2n - 1 लैम्डा और कैपिटल वाला d / क्या हो जाएगा, स्मॉल वाला d, यानी कि 2 है तो स्मॉल वाला 2d हो जाएगा। इस तरीके से ये होगा विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो आप यहां से विनाशी व्यतिकरण के लिए भी निकाल सकते हैं और समकोसी व्यतिकरण के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन करनी है, और अच्छे से समझने के लिए भाई चीजों को और अच्छे से समझने के लिए आपको पीछे वाले वीडियो देखने चाहिए, और एक सीरीज से आपको सारे वीडियो देखने चाहिए, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। यदि आपको लग रहा है कि सर पतांतर हमने नहीं पढ़ाया है तो आपको पीछे वाला वीडियो देखना चाहिए, अगर पतांतर ही आपको नहीं पता है तो फिर व्यतिकरण में आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। और अब तक जो चीजें हमने व्यतिकरण में पढ़ी है वो काफी हद तक एग्जाम में आने लायक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप उन चीजों का ख्याल रखें, जुड़े रहे टीम के साथ, और आपको नई नई चीजें रोजाना उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन जो भी वीडियो देखे दोस्तों पूरा देखे और टीम का सपोर्ट कीजिए। मेरा मतलब क्या है, सपोर्ट आप इस रूप में भी कर सकते हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई आपके सवाल है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उन सारे के जवाब देने के लिए। तो पढ़ते रहें, थैंक यू।